फ्रेंड्स, एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो जय श्री महाकाल। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉफिट और कौन सा स्टॉक है वो भी आपको सब पता चलेगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ काम करना, तो नीचे दी हुई लिंक से जरूर करके ज्वाइन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको डेली के एक और दो ऑप्शन कॉल्स मिलेंगे, साथ ही साथ इंडेक्स ऑप्शन में काम करने का मौका मिलेगा, जो कि 3 से 4 हो सकते हैं। कैश और पोजिशनल बम्पर्स कॉल भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कि किस तरीके से हम इस स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वो है चोला फाइनेंस। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इसके जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, और आप देखेंगे कि एक ही दिन में उसने जस्ट नेगेटिव से पॉजिटिव वॉल्यूम दिया। दैट मीन्स आप समझ जाओगे इसको क्या इंडिकेशन देंगे। वॉल्यूम्स थे बट पॉजिटिव वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुआ है। कैंडल साइज इज ऑल्सो गुड, ओके। और उसने ब्रेकआउट दिया है, साथ में अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो भी ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है नीचे से, नीचे से, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस को भी उसने ब्रीच कर दिया, ठीक है। इसके कुछ और पैरामीटर से वो जरूर हम देखेंगे। तो अगर हम इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट भी इसमें अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा है, जो कि 600 तक के भाव पर ज्यादा है। मतलब जो भी सेलर्स हैं ऑप्शंस के, वो 600 तक की प्राइस से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं, उनको ये पता है, ये उन्हें लग रहा है, ठीक है। पर उससे पहले एक ओपन इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन है जो कि 580 और 570 के आसपास है, ठीक है। हम इतना डीप डिस्कशन ना करते हुए हम ये देखिए कि हमें ये स्टॉक और मोर प्रॉफिटेबली वे में जाते हुए दिखता है नहीं दिखता है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से काम कर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डेली चार्ट पर कुछ दिनों के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ठीक है, और आपके सामने टारगेट है 590 रुपए तक और साथ साथ 600 रुपए तक, ठीक है। अब वो कैसे आएंगे वो भी हम जरा डिस्कशन कर लेते हैं। हम इसके वीकली चार्ट पर चलते हैं, तो देखिए वीकली चार्ट पर भी, अब देखिए कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, नेगेटिव सेंटिमेंट से अगेन पॉजिटिव सेंटिमेंट, और साथ साथ एक ही कैंडल में उसने पूरा का पूरा कवर कर दिया उसको, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। हाँ, यहाँ पर वीकली चार्ट पर एक रेसिस्टेंस आएगा, वो रेसिस्टेंस उसने 2-3 बार फेस किया है, ये बात जरूरी है। पर हम इसके मंथली चार्ट पर भी जाके देखें तो देखिए मंथली चार्ट पर आपको लगने में क्या लग रहा है वो आप खुद देख सकते हो कि देखिए मार्केट नीचे जाता है वापस ऊपर आ जाता है, ठीक है। लास्ट 3 महीने से यही हो रहा है, लगभग ये रेंज है, इस रेंज से। तो दोस्तों, क्यों इस रेंज को ना भुना जाए हमें भी दोस्तों, ठीक है। अगर हमें नीचे मिलता है तो हम नीचे खरीदने की कोशिश करेंगे, और अगर हमें ऊपर में आज यहाँ पर खरीदना है तो आप यहाँ पर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई यही एक आप एक तरीके से सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। इसके नीचे प्राइस ना तो क्लोज हो रही है मंथली बेसिस पर, ऊपर ऊपर में 500-600 रुपए तक के टारगेट्स आपको 30 रुपए, यानी कम से कम आपको 6% के तक का मूवमेंट आपको यहां से भी देखने को मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इसने ये क्रॉस कर दिया दोस्तों, तो आप इस स्टॉक पर जरूर अपने आंखें और अपना ऑब्जर्वेशन टाइट करें, क्योंकि जब ये स्टॉक अगर यहाँ से फटेगा किसी दिन में, तो आपको सिर्फ ये छोटे से स्टॉप लॉस पे आपको बहुत ज्यादा यानी 700 और 900 रुपए तक के टारगेट आपको चोला फाइनेंस आते हुए दिखाएगा। तो यही आपको समझाना था, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और काम कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।